नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी की रसोई में क्या बनने वाला है। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही हैं मोरिंगा लीफ फ्राई, जिसको हमारे साइड में सहजन का पत्ता कहते हैं, सहजन का लीफ कहते हैं। तमिलनाडु चेन्नई में सहजन के पत्ता को मोरिंगा बोलते हैं। तो ये सहजन के पत्ता का फ्राई है। इसके लिए मैंने लिया है एक बंच, यहाँ बंच के हिसाब से मिलता है। तो मैंने एक बंच सहजन का लीफ लिया था, जिसको मैंने बिल्कुल पत्ता डंठल हटा दिया है। इसका डंठल नहीं बनाया जाता है और केवल पत्ता पत्ता ही मैंने लिया है। आप देख सकते हैं जो सॉफ्ट पत्ते होते हैं, जैसे कि ये है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है ये। तो इसको आप ऐसे तोड़ करके रख सकते हैं, लेकिन और जो हार्ड डंठल होते हैं उसके केवल पत्ते वगैरह तोड़े जाते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने तोड़ तोड़ के रखा हुआ है मैंने। ये मोरी सहजन का पत्ता है। तो आज मैं इसी के साथ एक रेसिपी बनाने वाली हूँ। आप इस रेसिपी को ज़रूर देखें और अपने डाइट में इसे शामिल करें। इसके बहुत से, ये सहजन के पत्ता का बहुत बेनिफिट होता है इसको खाने से। इसमें बहुत से विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स होते हैं, जिसको मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले मैंने इस सहजन के पत्ता को, सहजन के डंठल से पत्ता को अलग कर लिया। उसके बाद धोने के बाद अब मैं इसको बारीक बारीक कट कर लूँगी। मैं कट करने के बाद आपसे मिलती हूँ। मैंने इस सहजन के पत्ते को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब मैंने पहले से ही कढ़ाई को गैस को ऑन करके कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा दिया हुआ था। और इसमें मैं लगभग 1 टीस्पून या 1/2 टीस्पून के बराबर तेल डाला है, क्योंकि ये बिल्कुल है बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो मैं इसमें तेल ज़्यादा नहीं डालूँगी, 1/2 टीस्पून तेल डाला है मैंने। एक सूखी हुई लाल मिर्च है जिसको मैं डाल दूँगी। अब इसको हल्का हल्का सा मैं भूनने दूँगी। भूनने के बाद मैं डायरेक्ट साग को डाल दूँगी। साग को, सहजन के पत्ते को अच्छे तरीके से चलाने के बाद मैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालूंगी। लगभग 1/2 टीस्पून से भी कम है, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने नमक डाला है। नमक डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरीके से मिला दूंगी। मिलाने के बाद इसको अब मैं ढक कर 1 मिनट तक पकाऊंगी। इस सहजन के लीफ को पकते हुए लगभग 1 से 1.5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये बहुत ही झटपट से बनने वाली रेसिपी है। ये हेल्दी बहुत ही ज़्यादा होती है। ये इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक या कुछ भी मसाला एक्स्ट्रा तेल डाल करके इसके जो इम्पोर्टेंस है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल कम तेल में बिना मसाले का 1 मिर्च का फ़ौरन डालकर इस रेसिपी को बनाएं और पूरा पूरा इसके जो बेनिफिट्स हैं, पूरा पूरा लाभ उठाएं। अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। अब ये बिल्कुल रेडी है और साथ ही मैं अपना लंच थाली भी शेयर करूँगी। मोरिंगा लीफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा आयरन जो है बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है। ये आप में डेली थोड़ा थोड़ा फ्राई करके उनको दीजिए, बहुत लाभ देगा ये डायबिटीज़ में। बहुत कंट्रोल करने में सहायता करेगा। ये स्किन के लिए, बालों के लिए, हर चीज़ के लिए ये भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। प्लीज़ आप इसे अपने डाइट में शामिल करें और खाएं।
और बना कर खाएं, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। झटपट सी मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं इस तरह का रेसिपी बनाऊं जो जिसे कोई भी बनाकर आसानी से खा सके, और उसका बेनिफिट्स वगैरह बेनिफिट्स जो होते हैं रेसिपी के वो नॉर्मली आसानी से ले सके, ताकि हर आदमी जो है हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, निरोग रहे। मेरी यही कामना रहती है कि मैं सबके मैं इस तरह की रेसिपी शेयर करूं जिसे लोग आसानी से बना के खा सकें। अब मैं इससे भी अब मैं आपके साथ अपना लंच थाली शेयर करने जा रही हूं। तो चलिए मैं अपना लंच थाली शेयर करती हूं आपके साथ, बताती हूं कि मैंने अपने लंच थाली में क्या क्या लिया है। आज मैंने अपने मैं इस मोरिंगा लीफ की रेसिपी को भी डाल ले रही हूँ। तो चलिए बताती हूँ कि मैंने अपनी रेसिपी लंच थाली में क्या क्या प्रिपेयर किया है। मैंने अपनी लंच थाली में लिया है बॉयल्ड राइस लिया है, सांभर लिया है, कॉलीफ्लावर का फ्राई लिया है जिसको बिल्कुल कम तेल में मैंने एक हरी मिर्च डालकर फ्राई किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और लिया है मैंने ये मोरिंगा लीफ का रेसिपी, और लिया है मैंने दो पोटैटो का पकौड़ा लिया है जिसको मैंने इस तवे के ऊपर फ्राई किया था, बिल्कुल एक बूंद तेल डालकर मैंने इसको बनाया है ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो, हेल्थ के लिए ज़्यादा नुकसानदायक ना हो। और लिया है मैंने हरे आम की चटनी ली है, और एक एक टुकड़ा मूली का लिया है। यही मेरा लंच थाली है, आज का लंच थाली मेरा यही है। तो मैं अपने लंच थाली का इंजॉय लेने जा रही हूँ। आप इस रेसिपी को मोरिंगा लीफ की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।